यार दो इश्यूज को मैंने हाईलाइट करना था, लेकिन मैंने कहा इस दफा थोड़ा डिफरेंट अंदाज में उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। तो आप एक छोटा सा स्किट देखो, फिर मैं आप लोगों को बाकी बातें बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल? वालेकुम सलाम अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल, बस हम ये टीचिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गई है, बस अब हम टीचिंग करते हैं बस। हाँ मेरा बेटा भी करता है, जॉब कर रहा होता है सुबह के वक्त, और शाम में पार्ट टाइम कर रहा होता है, वो थोड़े पैसे वैसे भी आ जाते हैं, बाकी ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहा होता है वो। आप भी पार्ट टाइम करते हो? नहीं अंकल, पार्ट टाइम नहीं मैं कर रहा, मतलब फुल टाइम ही करता हूँ, मतलब यही करता हूँ मैं, टीचिंग ही करता हूँ। ठीक है ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो आप? अंकल मैं मैथ पढ़ाता हूँ। सिर्फ मैथ? मेरा बेटा बेटा फिजिक्स भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है। बायोलॉजी भी पढ़ा देता है? मैथ बायोलॉजी दोनों पढ़ाता है? जी बेटा माशाल्लाह, बायोलॉजी भी पढ़ाता है वो, जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ाता है। तो फिर तो अंकल सिंधी भी पढ़ा लेता होगा? हाँ हाँ सिंधी भी पढ़ा लेता है। यार इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये जो छोटी सी मैंने आपको बात दिखाई है, कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी कोई टीचिंग कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो पार्ट टाइम टीचिंग नहीं कर रहा। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि बस जो हमारे यहाँ माशाल्लाह माहौल बना हुआ है कि आप बाकी जॉब कर रहे होते हो और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आप कहते हो मैंने टीचिंग भी करनी है, साथ वो ट्यूशन आपने पकड़ ली, पार्ट टाइम आप पढ़ा रहे होते हो, आता है नहीं आता उससे क्या फर्क पड़ता है, आप बस पढ़ा रहे होते हो। तो हर टीचर ऐसा नहीं होता, अपने जहन में रखो, अगर कोई आपको बोलता है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं जो अपने शौक से इस प्रोफेशन में आए हुए होते हैं। मेजोरिटी मुझे पता है किस मकसद के तहत आए हुए होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वाकई अपने शौक से आए हुए होते हैं, उन्होंने टीचिंग अपने शौक से चूज की हुई होती है और शौक को पूरा करते करते हुए पैसे कमा रहे होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने नोट किया है कि अगर कोई बंदा एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको मतलब एज कम्पेयर टू, अगर सबसे पहली बात कोई ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आप बोलते हो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका नुकसान ये होगा कि अगर आप बेसिक लेवल पे रहना चाह रहे हैं फिर तो सही, अगर आपने बुक सॉल्व करवानी है, पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराने, दैट्स इट। अगर आप एक्सपर्ट बनोगे ना किसी फील्ड के, तो फिर आप इतने सब्जेक्ट को एक साथ एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये फैक्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर मतलब बुरी चीज ये होती है कि जो बंदा एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो समझा जाएगा कि यार उसका कम नॉलेज है एज कम्पेयर टू जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिंदगी आपकी इतनी छोटी है, अगर आप एक सब्जेक्ट को भी सही तरह सीखने पे लगो तो आपको कसम से जिंदगी लगानी पड़ जाती है। मैंने 5 साल प्रॉपर कीड़ा होता है ना, किताबी कीड़ा बन के मैथ सीखी है, अभी भी जब मैं कोई चीज देखता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सोचता हूँ मैंने 5 साल किया क्या है, फिर मुझे जवाब मिलता है कि भाई मैथ सीखना या कोई भी सब्जेक्ट सीखना, जितने भी खास तौर पर साइंस सब्जेक्ट है, इतना ईजी नहीं होता। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको भी देता हूँ, अगर आप इसको देखो तो ये 3 घंटे 39 मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे 40 मिनट की वीडियो है। ये जो टॉपिक इसमें मैंने डिस्कस किया है वो मैट्रिसेस है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो मुझे एडिटिंग करने में टाइम लगा है, ये मुझे 5 घंटे लगा है सिर्फ एडिटिंग करने में। ये सब मैंने जितनी जितनी क्लिप्स थी रिकॉर्ड की हुई थी क्लास के अंदर, अच्छा एडिटिंग करते हुए बैठा, मैंने कहा यार ये पॉइंट मिस हो गया ये बता देता हूँ, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की, क्लास लेने के बाद कुछ टॉपिक मिस हो गए थे, मैंने कहा चलो टॉपिक्स को बना दो। ये पूरा मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस की ये समझ लो 3 इस टाइप के लेक्चर्स हैं, बाकी 2 2.5 घंटे के। तो सर आप देखो मेहनत एडिटिंग पे लग कितनी रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि यार प्रॉपर हर चीज़ को अरेंज करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन बच्चों की दूर करनी है। उससे पीछे आप ये देखो जब मैंने रिकॉर्ड की होगी मेरा फिर कितना टाइम लगा होगा, जब मैंने क्लास ली मैंने वीडियो बनाई वो अलग मेरा टाइम लग रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम तो उस वक्त लगा जब मैंने बातें सीखी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इतना आसान होता है कि आपने बस आसानी से मैथ सीख ली? नहीं, इतना आसान होता, आपको ज़िंदगी लगानी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ समझ आती है, पूरी सीखना तो छोड़ ही दो। और ये बाय द वे लेक्चर YouTube पे नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको नहीं आसानी से मिलेगा, लेकिन जब 1.5-2 साल बाद अपलोड होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि अब मेरा कंपटीशन कोई पाकिस्तानी टीचर नहीं है, मेरा कंपटीशन दुनिया है। तो मैट्रिसेस पे जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इस टाइप के लेक्चर्स आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, और ये वाकई दावा है मेरा कि कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ मैंने हर डिपार्टमेंट में कवर किया है, डिपार्टमेंट मतलब MCQs के लेक्चर्स अलग होंगे, थ्योरी अलग होगी, ट्रिक्स अलग होंगी, कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए हैं, हर बातों की चीज़ें रीज़न समझाई हुई हैं कि ऐसा क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, कहीं भी आपका नज़र नहीं आएगा। तो ये जब लेक्चर अपलोड होते हैं ना, सबसे गुस्सा उस वक्त आता है कि जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर फ्री में आप क्यों नहीं दे रहे, सर फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो हमारे इस बात को समझ आना चाहिए कि यार हर चीज़ फ्री में नहीं होती, लोगों की जिंदगियां लगी हुई होती हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि जब आपके घर शादी है या कोई भी फंक्शन है, आप उसके लिए कमेटी भी ले रहे हो, आप बाकी जगहों पर भी खर्च कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन आपको फ्री में चाहिए। तो इस वीडियो में काफ़ी लेसन मैंने आप लोगों को दिए हैं, लेकिन एक ही बात मैं बोलूँगा, किसी को बताना मत, ये वीडियो किसी को भेजना मत, ये ना हो कि वो देखे कि टीचर बनना इतना मुश्किल है तो फिर वो टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दे।